ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए, दीपावली का त्योहार विशेष रूप से कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। रात्रि में इसका पूजन किया जाता है। कार्तिक अमावस्या की तिथि को ही दीपावली का पूजन किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से 31 अक्टूबर को 3:53 से जो अमावस्या तिथि का शुभारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक है, क्योंकि 1 नवंबर को शाम के समय या रात्रि के समय जो है अमावस्या तिथि नहीं है, इसलिए दीपावली का पर्व जो है 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। क्योंकि महालक्ष्मी का अवतरण जो है कार्तिक अमावस्या की रात्रि को हुआ था, इसलिए जो है उसका इस पर्व को जो है कार्तिक अमावस्या की रात्रि के दिन ही रात्रि को ही मनाया जाता है। दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:55 से 10:13 तक रहेगा, क्योंकि महालक्ष्मी का जो पूजन है वो स्थिर लग्न में किया जाना चाहिए। ऐसे में वृश्चिक लग्न जो स्थिर लग्न है, भगवती का पूजन करना अति प्रशस्त रहेगा और शुभ रहेगा। उस दिन कोई विशेष समय और तिथि और किस तरीके से पूजा करना चाहिए महालक्ष्मी की? देखिए, सर्वप्रथम तो गणेश जी की पूजा की जाती है और गणेश जी के साथ ही साथ जो महालक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी का जो पूजन है वो श्री सूक्त से उनको जो है एक एक कमल का पुष्प अर्पित करने से भगवती प्रसन्न होती हैं और धन धान्य जो है परिपूर्ण करती हैं। उसके साथ ही साथ जो है व्यापारी वर्ग भी जो है इसी दिन अपने नए बही खाते का शुभारंभ करता है, और जो गणेश जी के पुत्र हैं शुभ और लाभ वो अपने बही खाते पर लिखता है। उसके साथ साथ कुबेर का पूजन भी किया जाता है। कुबेर के पूजन के साथ साथ जो दीप मालिकाओं का पूजन करके चारों तरफ जो घर में चारों तरफ जो दीप उत्सव मनाया जाता है, दीप दिए जलाए जाते हैं, और उसके साथ जो दीपावली का पर्व जो है वो संपन्न होता है। तो कार्तिक अमावस्या जो है वो 31 अक्टूबर के दिन रात्रि को ही है, और भगवती का पूजन क्योंकि रात्रि में किया जाता है, इसलिए जो है 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाना अति शुभ रहेगा।